17 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है और उसे लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। जिस तरह गणेश चतुर्थी के जो नियम थे उन्हें बदलकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें अब मूर्तियों की ऊंचाई 6 फीट से अधिक रखने को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही पंडाल का साइज भी बढ़ा दिया गया है, जिससे मूर्तिकार, आयोजक सभी में खुशी साफ देखी जा सकती है। पर मूर्तिकारों का कहना है कि शासन ने यह फैसला लेने में देर कर दी, क्योंकि 6 फीट की मूर्तियां तैयार की जा चुकी थी, अब बड़ी मूर्तियों के ऑर्डर पूरे करने में समस्या आ रही है। मूर्तिकार ने आयोजकों से बात की, संवाददाता हमारे नीरज श्रीवास्तव ने। 17 अक्टूबर से नवदुर्गा का पर्व शुरू होने वाला है और इसको लेके जो उत्साह है वो काफी देखा जा रहा है, क्योंकि एक बड़े लंबे समय बाद अब कोरोना की जो गाइडलाइन में परिवर्तन हुआ है और उसके अनुसार अब जो मूर्तिकार हैं बड़ी मूर्तियां भी बनाने लगे हैं। इस समय हम मूर्तिकारों के यहाँ हैं, आप देख सकते हैं अब जो मूर्तियों का जो साइज है वो 6 फुट से भी ज़्यादा हो गया है। काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ पर जो है बनने लगी हैं। अब कहीं ना कहीं एक लंबे समय के बाद जो मूर्तिकार है उन्होंने जो है राहत की सांस ली है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की राहत उनको अब मिली है, एक बड़े लंबे समय के बाद राहत आपको दी गई है, तो कैसा लगता है, क्या चाहते हैं और आगे किस तरह की राहत मिली? सर, राहत के लिए तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन सर उन्हें बहुत लेट कर दिया, क्योंकि अब हमको दिन रात काम करना पड़ रहा है। पहले हमने 6 फीट की मूर्तियां बना ली थी काफ़ी, और आटो तो सर 10-10, 12-12 फीट के आ रहे थे, लेकिन अभी अब दिन रात करके काम करना पड़ रहा है, क्योंकि लेट आए सर आदेश। तो अब लगभग कितने ऑर्डर आपके पास आ चुके हैं मूर्तियों के, कितने फिट तक की मूर्तियां आप बना रहे हैं? सर मेरे पास तो 14 फिट तक की मूर्ति बन गई है और 10 फिट 12 फिट की कम से कम 20 एक मूर्ति मेरे पास में। तो एक काफ़ी बड़ी राहत मिली है जिसको लेके काफ़ी खुशी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख इस बात का है कि काफ़ी लंबे समय बाद इसका ऐलान किया गया है। हमारे साथ पंडित जी हैं जिन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई इसके लिए लड़ी है, उनसे जानते हैं। अच्छा, देखा जाए तो भीड़ एक बड़ी समस्या बनती है ऐसे आयोजनों में, लगभग 100 लोगों की परमिशन दी गई है अभी, लेकिन अब अगर इकट्ठी भीड़ आती है तो उसको साधने के लिए क्या? देखिए, इकट्ठी भीड़ जब आती है, जिस प्रकार आप देखते हैं कि बड़ी प्रतिमाएं जो है वो कवर्ड कैंपस में रहती हैं, ओपन हम लोग बिठा रहे हैं, आप दूर से खड़े होकर भी दर्शन कर सकते हैं, और स्वाभाविक है प्रतिमा जिस भी चौराहे पर बैठेगी जगह बहुत होती है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ जो है वो प्रतिमा के दर्शन हो पाएंगे, लेकिन जब ओपन पंडाल रहेगा तो वो खतरे से भी हम लोग मुक्ति पा लेंगे। तो आपने देखा आयोजक हो चाहे मूर्तिकार हो, सबको एक उत्साह है नवदुर्गों को लेकर, और जो सरकार ने जो अभी जो गाइडलाइन जारी की है उसको लेकर काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आमिर के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।